जंगल राज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरा मुखर हो गई। तेजस्वी नीतीश को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें तो प्रशांत किशोर ने क्या किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ 2015 में कौन नहीं जानता है? जो MY समीकरण है उस समीकरण का एक हिस्सा वो अपने पास लेके आता है जी। कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है OBC और EBC विरोधी जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रात रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों घटी होती है, लेकिन बाबा आने वाले दिनों में उस पर संभावनाएं व्यक्त करते हैं, विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर उसका परिणाम क्या दिखाई देने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने के पीछे का जो आधार है वो प्रधानमंत्री बनने का है, ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है। नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से तैयारी की जा रही है वो यही साबित करती है। हालांकि नीतीश कुमार अब भी बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। पता नहीं नीतीश कुमार के दल के नेता कैसे बोल रहे हैं कि नीतीश जी को सर्वमान्य नेता बिहार के बाद अब देश में बना देना है। बाबा नीतीश कुमार लगातार नकार रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस पर चर्चा पिछले 2-3 वर्षों से लगातार हो रही है। जब से 20 का चुनाव खत्म हुआ तब से नीतीश के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा शुरू हो गई, और चर्चा इसलिए भी शुरू हुई कि नीतीश कुमार ने कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो लोगों को लग गया जो अब तो प्रधानमंत्री बनेंगे। 2020 के चुनाव जब अंतिम दौर में था, प्रचार चल रहा था, उस समय से ही नीतीश कुमार को ये लगने लगा था मटेरियल इस बार जो भी परिणाम हो लेकिन 2024 के लिए वो अपने आप को तैयार कर लेंगे। यही कारण था कि उन्होंने ये भी कहा था और बार बार इसका रिपीट भी करते हैं। तुम उधर देखोगे तो कैसे होगा? इसके चलते जानते हो हम लोग कई लोगों को बोल चुके हैं, कई लोगों को इसके लिए कह चुके हैं, और तुम खबर के दौरान उधर देखोगे तो क्या होगा? खबर देख रहे थे, जरूरी नहीं है, चलिए जो है उसको देखो पहले। तो जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है जी, नीतीश कुमार लगातार अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, भले वो कहें या ना कहें। हालांकि जब से तेजस्वी यादव उनके साथ आए हैं तब से लगातार वो केंद्र में कैसी सरकार होनी चाहिए इसकी कल्पना शुरू कर चुके हैं जी। आपने भी सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि ये कमी है। बिहार वाला कमी नहीं दिखता है उनको? बिहार में कमी कहाँ है, सबसे पीछे से फर्स्ट है हम। अब पानी से पूरा बिहार भरा हुआ है? पानी से तो वो तो 6 महीना तो सुखाड़ा, 6 महीना बाढ़। बिहार के नेताओं के आय का सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है बाढ़ है, वो बाढ़ और सुखाड़ है, और यही तैयारी करता है जिसमें आपको पता है कि अगले चुनाव के लिए सारे पैसे इसमें से 4 साल में चुका लिए जाते हैं, 5वें साल में चुनाव की तैयारी हो जाती है। खैर आपको तो पता ही है कि चूहों की क्या स्थिति है जी, लगातार चूहे बांध तक काट देते हैं, यहाँ तक कि शराब पी जाते हैं, सब कुछ होता है बिहार में ही, सब कुछ होता है। लेकिन बिहार राजनीतिक रूप से भी एक ऐसा राज्य है जो लगातार इस देश को चेंज देते रहा। राजनीतिक रूप से बिहार अव्वल है, राजनीतिक रूप से वो हमेशा एक नया सूत्र देता रहा है जी। इस बार भी बिहार उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां से लग रहा है कि एक सूत्र देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी है जी, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है। आपको याद होगा कि 90 के दशक में तो पदार्पण हुआ JP के चेलाओं का, लेकिन 70 से 77 के दशक में जो कुछ भी हुआ, आपातकाल लगा, आपातकाल के बाद JP आए, JP के बाद उनका समर्थन में युवा है जो छात्र आंदोलन उभरा, और इन सारे लोगों के बीच ही बिहार की राजनीति चल रही है और देश की राजनीति में भी इन लोगों का एक अच्छा खासा प्रभाव भी है और प्रभावित भी करते रहे हैं। इसमें से 2 लोग हैं, एक लालू प्रसाद और एक नीतीश कुमार, जो दोनों ही अगर देखा जाए तो श्री बाबू के पास बाद अगर कोई बिहार में अपने कार्यकाल को पूर्ण कर सका है तो उसमें लालू प्रसाद हैं जी और नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार में एक विशेषता है, लालू प्रसाद तो अपना कार्यकाल 5 साल पूरा किए, फिर 5 साल पूरा किया और जब 15वें साल में गए तो उन्हें बीच में छोड़ना पड़ा, क्योंकि आपको पता ही है चारा घोटाले में उन पर आ गया था निर्देश और उनको जेल जाना पड़ा था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जिसकी चर्चा हम लोग कई दिन से कर रहे हैं कि वो अपने कार्यकाल को कभी पूरा नहीं करते हैं, और ब्रेक देने का मतलब होता है कि आपका सांस जो है फिर से वापस रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश होता है। लगातार दौड़िएगा तो आप हंफ जाइएगा, और स्टेप वाइज दौड़िएगा तो हो सकता है कि आप अपने मंजिल तक पहुंच भी जाएं और आपको हंफना भी नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार इस रणनीति को जानते हैं।
जी, वो जानते हैं कि शिफ्ट में कैसे राजनीति करनी है और बिहार के लोगों को अलग अलग मजा कैसे देना है, यानी कि दोनों ही खेमे के लोगों को खुश करना है। और यही यही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो वर्तमान राजनीति है, जिसमें लगातार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन उसके ठीक पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया, पलट दिया है, ये बातें अब देखने को मिल रही हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार का वोट बैंक कहाँ है, संपादक नमन मिश्रा जी इस पूरे स्ट्रक्चर को बताते हैं। पंचनामा अगर नहीं देखा है आप लोगों ने, कल का जाए देख लीजिएगा। पंचनामा में उन्होंने अलग अलग उसको हिगरा हिगरा करके बताया है, अलग अलग करके बताया है कि किसके वोट कितने हैं और इसके इसका मतलब क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ फेल कर रही है और कैसे इसको समअप करेगी। जी, इसके लिए आपको पता है कि सबसे बड़ा जो वोट बैंक नीतीश कुमार का निजी वोट बैंक है वो महिला है। महिलाओं को अलग अलग फैकल्टीज में विशेष स्थान दे करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपने लिए एक वोट बैंक तैयार किया, जो कि कहीं ना कहीं वो लालू प्रसाद के जो MY समीकरण है उस समीकरण का एक हिस्सा वो अपने पास लेके आता है। जी। दूसरा, आपको पता है कि लौकुश समीकरण का क्या हिस्सा है। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव को लगता है कि नीतीश कुमार को यदि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दें तो मेरे लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो जाएगी। वो हटाने से ज़्यादा खाली करवाना चाहते हैं और इस काम को भारतीय जनता पार्टी होने देना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरा गेम ही चेंज कर रही है और इस गेम चेंज करने में आपने सुशील मोदी को कल सुना होगा। सुशील मोदी ने खुलासा किया, उस खुलासे में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण की है। एक, 2005 में ले जाकर के बिहार को खड़ा कर दिया है, सबसे पहली बात। जी, आपने अगर देखा होगा महारानी फिल्म जो एक सीरियल आया है, उस सीरियल का पार्ट टू भी आ गया। पार्ट टू में पहला दूसरा एपिसोड जो है, उस एपिसोड में बिहार की राजनीति का एक ऐसा मतलब पोस्टर दिखाया गया है जिसमें क्या करते हैं विधायक, क्या करते हैं मंत्री, उसका पूरा नज़ारा दिखाया गया। और बिल्कुल उसी अंदाज में कहीं ना कहीं सुशील मोदी ने बिहार का वो तस्वीर दिखाया है, खास करके तेजस्वी यादव के एक मंत्री को लेकर के जिन पर पहले से भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाने की जरूरत हुई है। अब ऐसी स्थिति में जो वर्तमान बिहार है उसका एक स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया कि जंगल राज। हालांकि बिहार में स्थितियां जो पहले थी NDA के शासनकाल में, मुख्यमंत्री वही हैं, आज भी स्थितियां लगभग वही है। पहले भी लोग ये कहते थे कि अपराध स्वाभाविक होगा लेकिन पुलिस का दबिश बनना चाहिए, अपराधी को पकड़ना चाहिए। हालांकि काम वो अभी भी हो रहा है, सरकार इसी तरह का जवाब भी दे रही है, लेकिन अपराध को लेकर के, जंगल राज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरा मुखर हो गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो उस खुलासे में था वो था लोकसभा में सुरेंद्र यादव द्वारा जो बिल, महिला बिल आया था, उस महिला बिल की कॉपी छीन करके फाड़ देना। जी, आपने अगर पूरा सुना होगा सुशील मोदी का वो जो खुलासा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, इस बात को भी इशारा किया है कि वो बिल लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ से छीन करके फाड़ करके उसको उड़ाया था। जी, इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो गठबंधन है वो महिला विरोधी है। जी, अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि कहां चोट है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इन सब के बाद जो नमन मिश्रा जी ने कुछ चीजें निकाल करके रखी हैं वो बताना यहां बहुत जरूरी हम समझते हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अकेली पड़ गई है, वो अपने लिए लोगों का जुगाड़ कर रहे हैं। जी, पिछले 2-3 दिन से वो लगातार बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी पर नजर है कि मुकेश सहनी एक बार फिर से आ जाए, चिराग पासवान पर नजर है कि वो पूरी तरह से आ जाए। जी, और उनके साथ सबसे बड़ा नजर जो है वो है RCP सिंह। जी, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना हिंदुत्व का वोट लेकर के आएगी, जी, जो लोग खास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से नाराज हैं उनका वोट आएगा। जी, जी। लेकिन इस वोट से वो जीत का आंकड़ा पूरा नहीं होता है। इसको पूरा करने के लिए उन्हें उसे दलित का भी वोट चाहिए, उसे OBC EBC का भी वोट चाहिए। और आपने देखा होगा कि RCP सिंह के लोग जो हैं, RCP सिंह का जो संगठन बनने जा रहा है या संगठन जो है जिस नाम से वो कर रहे हैं, RCP के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने
ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है ओबीसी और ईबीसी विरोधी है जी। हालांकि ये लड़ाई नीतीश कुमार इस लड़ाई के अगुवा का भी माने जाते थे कि ओबीसी में खास करके किस किस जाति को प्रश्रय मिलना चाहिए और किस जाति का हकमारी नहीं होना चाहिए, लेकिन आज उसी नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की टीम पर ये आरोप लग रहे हैं कि ओबीसी और ईबीसी को वो साध के नहीं चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम इस बात को कह रही है, आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल ये बात कर रहा, आपने कांग्रेस से नहीं सुना होगा ये बात, क्योंकि कांग्रेस पहले ही कर चुकी है कि मेरा प्रधानमंत्री ऑलरेडी है राहुल गांधी है। लेकिन बाकी के ये दो दल जो हैं वो बड़ी मजबूती के साथ इस बात को कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है वो ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो दोस्ताना है वो बीच में ही ब्रेक कर जाए, जिसकी कि कई बार आप देखे होंगे कि भविष्यवाणी कर चुके हैं प्रशांत किशोर जी, क्योंकि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बहुत करीब रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब रहे हैं, उन्हें पता है कि दोनों का जो काम करने का तरीका जो है वो कैसा है जी। इसके साथ साथ जो खुलासे होने शुरू हो गए हैं, एक बार फिर से पोथी पत्रा लेकर के आप देखे हुए हैं, सुशील मोदी कई नेता उतरे हुए हैं, इन सारे चीजों को लेकर के और समीकरण बनाने को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी नीतीश को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें, अलग अलग राज्यों से उनके लिए समर्थन जुटाना शुरू करें, उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा खेल करना चाहती है, ऐसा खेल करने जा रही है, ये कहा जा सकता है ऐसा खेल करने जा रही है जिससे कि या तो इनकी दोस्ती ब्रेक कर जाए या इनके वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हो जाए, और उस सेंधमारी के लिए उन्होंने अलग अलग मोहरे भी तैयार कर लिए हैं। आपने देखा होगा कि यदि शतरंज के विषाद पर आपके सिपाही अगर पहले मर जाते हैं जी, तो आप बचा नहीं सकते हैं अपने राजा को, उसके लिए चाहे जितना मंत्री को कर लीजिए, घोड़ा कर लीजिए या जिसको भी आप लेकर के जाइएगा, वो नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी है सैनिक, और वो सैनिक नीतीश कुमार ने अपने करीबियों को खो करके कहीं ना कहीं अपना हाथ खाली कर दिया है। आप आरसीपी सिंह को अपने से अलग करते हैं तो आप पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह आपके सबसे करीबियों में से रहे हैं। वहीं अगर प्रशांत किशोर को आप अपने से अलग करते हैं तो प्रशांत किशोर ने क्या किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ 2015 में कौन नहीं जानता है। जी जी। प्रशांत किशोर ने इसके अलावा अलग अलग राज्यों में क्या किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन नहीं जानता है। यानी कि घर का भेदी जो होता है वो आपके लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है, और ये काम कहीं ना कहीं आप समझ के चलिए कि आरसीपी सिंह, चिराग पासवान, और अगर जरूरत पड़ी तो अगर एक बेहतर उनके पास डील मिल गया तो मुकेश सहनी भी हो सकते हैं, और साथ साथ प्रशांत किशोर को भी इनकार नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में वो भी बिहार का दौरा कर रहे हैं और नीतीश कुमार से काफी नाराज हैं जी। तो ऐसी स्थिति में एक नया नेक्सस बन सकता है और ये कहीं ना कहीं गेम पलटने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस हथकंडे को अपना सकती है जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भले ही अकेले है लेकिन नए गठबंधन की तलाश में है। ऐसे में नए गठबंधन में मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान हो, आरसीपी सिंह हो या प्रशांत किशोर हो, कई लोग शामिल हैं और ये सारे लोग नीतीश कुमार के काफ़ी करीब रहने वाले लोग हैं, जिसमें अगर बात करें चिराग पासवान की तो लगातार विरोध भी कर रहे हैं। वहीं आरसीपी सिंह अभी कुछ दिन पहले ही जदयू से बाहर हुए हैं। प्रशांत किशोर लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं और मुकेश सहनी का संबंध भी नीतीश कुमार से अंत में काफ़ी सुधर चुका था जब वो इस गठबंधन से और मंत्रालय से बाहर हुए थे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816700। धन्यवाद।